वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर ईडीसी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। सो बेसिकली एवलांच ब्रेकडाउन कब अकर होता है वो देख लेते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन अकर्स मोस्टली इन अ पीएन जंक्शन व्हिच इज लाइटली डोप्ड। ओके, सो लाइटली डोप्ड है मींस विड्थ जो होती है डिप्लीशन रीजन की वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। सो यहाँ पे क्या है, ये लाइटली डोप्ड करने के चलते विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी, हैविंग वाइड डिप्लीशन। ओके, सो एवलांच ब्रेकडाउन कब अकर होगी, व्हेन पीएन जंक्शन इज लाइटली डोप्ड एंड ड्यू टू लाइटली डोप्ड इट इज हैविंग अ वाइड डिप्लीशन लेयर। सो एक और रिलेशन हमने पढ़ा था, जो विड्थ होता है डिप्लीशन लेयर का वो क्या होता है, inversely proportional to electric field across the junction. So width क्या हो रहा है अपना, यहाँ पे बहुत हाई हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन क्या है, बहुत लो है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, देखिए, therefore electric field across the junction it is not so strong to produce breakdown. Okay, समझ में आया। अब क्या होगा एवलांच ब्रेकडाउन के केस में, उस पे ध्यान दीजिए। लाइटली डोप्ड होने के चलते क्या हुआ, अपने को वाइडर डिप्लीशन रीजन मिला, वाइड डिप्लीशन रीजन। ओके, तो देखिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी इस साइड, पी टाइप साइड। ओके, और ये जो अपना एन टाइप साइड है यहाँ पे क्या, होल्स अपने क्या है, माइनॉरिटी है। ओके अभी हमने कोई बाइसिंग नहीं थी, इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग नहीं है इस केस में। सो अब हम बाइसिंग देते हैं, माइनस प्लस। ओके, प्लस इज कनेक्टेड टू एन टाइप एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप। ये क्या है, ये हमने क्या दिया, रिवर्स वोल्टेज दिया। ओके, सो क्या होता है, इनिशियली तो कुछ नहीं हो रहा है, इनिशियली क्या हो रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक छोटा सा रिवर्स करंट फ्लो हो रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसको बोलते। बट जैसे जैसे हम वीआर बढ़ाते जाए, ठीक है, हम वीआर को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, एक्सेस बढ़ा दिए हमने, वीआर को क्या कर दिया, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कर दिया। ठीक है, जब वीआर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो गया, उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसने क्या गेन कर लिया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं सबने क्या गेन कर दिया, क्या गेन किया, काइनेटिक एनर्जी गेन किया। अब देखिए क्या होगा। सो देखिए, इवन एट द रूम टेम्परेचर सम माइनॉरिटी कैरियर्स आर प्रोड्यूस इन डिप्लीशन लेयर विथ रिवर्स बायस। ओके, ये मालूम है। सो देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक बात ध्यान दीजिए, ये क्या मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मींस इधर से ऐसे आएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। ओके, तो ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया और ये बहुत स्पीड से आएंगे, देख रहे हैं, ये अपने माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत स्पीड से आए, और ये जो नेगेटिव आयन है डिप्लीशन रीजन में, आयंस क्या होता है, आयन भी तो एटम ही होता है ना, आयन इज एटम हैविंग एक्स्ट्रा चार्ज। ओके, और मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयन। सो ये आयन है, इसके बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाएगा और बैलेंस सेल वाला इधर आ जाएगा। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन टकराया और दो इलेक्ट्रॉन हमें मिले। अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, फिर से दो इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन इस आयन से टकराएगा तो हमें फिर से दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ओके, और ऐसे ही ये चलता जाएगा। इसके रीजन से क्या होगा, हमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हो गए, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। सो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अपने को मिले, तो इसके चलते क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मिले सो ब्रेक डाउन हो जाएगा, जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, जंक्शन ब्रेक हो जाएगा और क्या होगा अपना लार्ज अमाउंट में रिवर्स करंट फ्लो होगा, लार्ज अमाउंट में क्या होगा रिवर्स करंट फ्लो होगा। ओके, और इस लार्ज अमाउंट में रिवर्स करंट जो फ्लो हुआ उसके चलते क्या होगा अपना डायोड क्या हो सकता है डैमेज हो सकता है। ओके, सो देखिए द इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एट अ वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज, दे गेन काइनेटिक एनर्जी टू फ्री द बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, in this case they leads to avalanche of the charge carrier, consequently PN junction conducts with a large current, this process is called as avalanche breakdown। So I hope ye samajh mein aaya। So dekhiye yahan pe kya ho raha hai, kaun sa process hai, ye carrier multiplication ka process hai na, ye carrier multiplication। I hope samajh mein aaya, bahut easy sa concept tha। देखिए एक इलेक्ट्रॉन आया, ओके, इसने हाई काइनेटिक एनर्जी गेन की हुई है, आया और एक एटम से टकराया, ठीक है, एटम से जैसे टकराया सो एटम में जो बैलेंस सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया टकराने के चलते, तो अब क्या हो गया दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जाके दो आयन से टकराए, सो उनके जो बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन था वहां से भी एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, सो क्या बना एक से दो, दो से चार, चार से आठ बनेगा। ऐसे ही क्या होगा कैरियर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस चलेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एवलांच ब्रेकडाउन। जनरली एवलांच ब्रेकडाउन V इज ग्रेटर देन 6 वोल्ट पे होता है। ओके, So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon to get the further notification regarding the upcoming videos of ETC.